हाई एवरी वन, वेलकम टू आर्मी बूट्स। एस आर टी फॉर 2nd September 2020 इज ही रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस। ही केम टू नो दैट हिज नेबर सन हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हिज मदर। ही विल। नितिन का रिस्पॉन्स है, आस्क द रीजन फॉर द आर्ग्यूमेंट, एनालाइज द सिचुएशन एंड मेक देम बोथ अंडरस्टैंडिंग द इशू एंड क्लियर इट आउट। परफेक्ट रिस्पॉन्स। नितिन ये दिखाता है कि आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आपने अपनी बात समझाई। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर है, तभी आपने इसको रेक्टिफाई किया जो आर्ग्यूमेंट हुआ था। एंड यू हैव अ करेज एंड सोशल अडैप्टेबिलिटी भी ठीक है। खुशी लिखती हैं, जस्ट स्टॉप आर्ग्यूमेंट एंड हेल्प बोथ टू क्लियर देयर पॉइंट। खुशी, जस्ट स्टॉप आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो भी चल नहीं रहा है। बट एंड हेल्प बोथ टू क्लियर देयर पॉइंट्स, ये लाइन ठीक है, एक्सेप्टेबल। ऑल इन ऑल ठीक रिस्पॉन्स है, ऐसा गलत भी नहीं है कुछ। सृष्टि लिखते हैं, ही विल गिव गाइडेंस टू हिज नेबर सन दैट आर्गुइंग विद मदर इज नॉट द राइट थिंग। इफ यू वॉन्ट एनी थिंग ही कैन पोलाइटली आस्क फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड विल टोल्ड हिम आर्गुइंग विद पेरेंट्स इज नॉट अ गुड मैनर। सृष्टि, वेरी गुड थिंग अबाउट यू इज कि आप हमेशा पूरा रिस्पॉन्स लिखते हो, क्योंकि आपको एंड में ये मैंशन जरूर करना चाहिए। एंड द सेम एडवाइस गोज टू दिस खुशी एज वेल एज नितिन, कि एंड में आप ये भी मैंशन करो कि वो जो लड़का है वो मान गया। लाइक ही will go to the boy, he'll made him understand that argument was not needed, things could be done in this way, and the peace created between his neighbor son and mother, and now the relations are good. Like, ab aisa nahi hua ki usne baat cheet kari aur usne dono ko samjhaya, samjhane ke baad kya hua, you know, there has to be proper action and result also. He'll talk to both of them and ask about the matter and then solve the issue. He also advised the neighbor son not to argue with elders. देखो, हम में से किसी ने भी, ये जितने भी रिस्पॉन्स है, किसी ने भी अपनी माता जी को गलत नहीं कहा। सबने जाते ही उस लड़के पर चढ़ गए कि भाई साहब, बड़ों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द प्रॉब्लम कैन बी फ्रॉम योर मदर एंड ऑल्सो, और माई मदर एंड ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमन्स है, कोई भी किसी भी मूड में हो सकता है, किसी भी तरीके से गुस्से में आ सकता है। सो यू विल नॉट शो द बायसनेस। यहाँ पे मदर के साथ आर्ग्यूमेंट इसीलिए लिखा गया है ताकि आप थोड़ा सा बायस हो जाओ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ, ठीक है। जैसे पिछला SRT था हमारा, उसमें छोटा भाई था आपके साथ, जब सांप आ गया था वो चेक करने के लिए था कि इमोशनली कनेक्शन में कहीं आप कुछ अलग स्टेप तो नहीं उठा लेते। यहाँ पर भी मदर के साथ इसलिए क्योंकि मदर एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर आप बहुत इमोशनली कनेक्ट रहते हो, तो मतलब मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर दी एटसेट्रा, इसीलिए क्लियर। तो नो मैटर कौन है, ऑलवेज शो बायसनेस। आप जब तक आप बायस नहीं होंगे तब तक आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते, क्लियर। आपको उतना ही अपना साथ, अपनी मम्मी का साथ देना है, उतना ही उस लड़के का साथ देना है। वेल, ऑल इन ऑल सारे रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे थे, बहुत क्लियर थे, और फ्यू ऑफ देम कैन बी इम्प्रूव्ड, बट ऑल इन ऑल एक्सेप्टेबल एंड गुड। जय हिंद।